आज हम बनाते हैं पालक की एक नई तरीके से सब्जी। तो ये मैंने पालक लिया है, इसे मैंने अच्छे से काट के धो के साफ करके रख लिया है। ये देखिए, मैंने आधा किलो पालक लिया है। तो इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक, नमक को अच्छे से मिक्स करूंगी, ताकि नमक से जितना भी पानी होता है ना पालक में, वो सारा निकल जाता है। इस तरीके से हम थोड़ी देर नमक डाल के रख देते हैं पालक को। तो इधर लिया है ये मैंने मिक्सी का जार। तो इसमें डाली है मैंने 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा डाला मैंने इसे अदरक का टुकड़ा, और ये डाली है मैंने कटे हुए 4 से 5 टमाटर। तो ये देखिए, मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक को अच्छे से पीस लिया है। और ये देखिए, पालक ने भी हमारे ना अच्छे से पानी छोड़ दिया। ये देखिए पालक में से कितना पानी निकल रहा है। तो इसी तरीके से हमें निचोड़ निचोड़ के पालक को अलग निकालना है इसमें से, बर्तन में से। तो ये देखिए कितना सारा पानी निकला है इसमें से, पालक में से। तो इसको पानी को हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये पालक को मैंने निचोड़ के अलग रख लिया एक बर्तन में। तो इसमें डालूंगी मैं बेसन, मुझे 3 से 4 चम्मच इसमें बेसन डालना है। तो ये देखिए, मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें बेसन डाल दिया। इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी इसमें नमक, और थोड़ी सी डालूंगी इसमें लाल मिर्च। तो मसालों को, बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पालक के साथ, इस तरीके से हाथ से चलाते हुए। इसमें पानी नहीं बिल्कुल भी डालना हमें, हमें ऐसे ही पालक में ही बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए, मैंने बेसन को अच्छे से पालक के साथ मिक्स कर दिया है। ये देखिए, तो इधर मैंने गैस पर रख दिया कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया मैंने सरसों का तेल। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो रहा है अभी। तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा, एक टुकड़ा डाला है मैंने दालचीनी, एक डाली है मैंने बड़ी इलायची, और इसमें डाल दिया है ये मैंने टमाटर का पेस्ट। इसमें मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है, ये बिना लहसुन प्याज की ही बनाऊंगी मैं सब्जी। तो टमाटर को हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो टमाटर देखिए मेरा अच्छे से भुन रहा है। तो इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और थोड़ी सी डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि हमने पालक में भी डाल रखे हैं मसाले कुछ। तो मसालों को हम अच्छे से इस तरीके से मिलाते हुए चलाएंगे। और ग्रेवी को हमें अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए, ग्रेवी मेरी अच्छे से पक रही है। तो इसमें डालूंगी मैं 1 से 2 चम्मच मलाई, ये फ्रेश मलाई है, ये घर की दूध की ही मलाई ली है मैंने। तो 2 चम्मच इसमें मैंने मलाई डाल दी है, और मलाई को भी हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मलाई मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है ग्रेवी के साथ, और ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। तो ये देखिए, अच्छे से मेरी ग्रेवी पक रही है। तो इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, और स्वाद अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक।
नमक को अच्छे से मैंने चलाते हुए मिक्स कर दिया है। अब कढ़ाई के ऊपर रखूंगी मैं ये, एक मैंने जाली ली है, ये मैंने कढ़ाई के ऊपर रख दी है जाली। और इसमें लगाऊंगी मैं थोड़ा सा तेल, जाली में हमें थोड़ा सा तेल लगाना है इस तरीके से हाथ से। अब तेल मैंने इसमें लगा दिया है, तो अब मैं पालक और बेसन की ये गोल गोल से पकोड़े बना के इस पे रखूंगी। तो ये देखिए पालक और बेसन के मैंने गोल गोल पकोड़े टाइप के बना के इस पे जाली पे रखने हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम सारे पकोड़ों को बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे पकोड़े बना लिए हैं, ये जाली पे मैंने रख दिए हैं। तो अब मैं इनको ढक देती हूँ, इन्हें हमें ढक के पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं, और ये देखिए आसानी से हट रहे हैं, ये एक दूसरे से चिपक नहीं रहे, जाली से भी नहीं चिपक रहे हैं ये देखिए, यानी कि ये पक चुके हैं। तो जाली को हम कढ़ाई से उतार लेते हैं, और इधर मेरी ग्रेवी भी पक चुकी है अच्छे से, ये देखिए। ये देखिए ग्रेवी ना ही ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा गाढ़ी, एकदम परफेक्ट बनी है। तो अब ये पकोड़े हैं, इन्हें मैं कढ़ाई में डालूंगी इस तरीके से। मुझे एक एक करके हमें ये कढ़ाई में डालने हैं सारे पकोड़े। ये मैंने सारे पकोड़े कढ़ाई में डाल दिए हैं, तो इनको हम हल्के हाथ से चला लेते हैं इस तरीके से, मिक्स कर देते हैं ग्रेवी के साथ। तो इन्हें हमें 2 से 3 ही मिनट ही पकाना है, ये ऑलरेडी पके हुए हैं, भाप से मैंने पकाए हैं ना। ये देखिए कितनी अच्छी सी मेरी सब्जी बन चुकी है, ये देखिए सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। और ऊपर से डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया, धनिया मैंने डाल दिया है, और धनिया को भी हम मिक्स कर देते हैं सब्जी में। तो ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है मेरी, ये देखने में इतनी अच्छी लगी उतनी ही ये खाने में भी अच्छी होगी। तो सब्जी मेरी बन के हो गई है तैयार। तो सब्जी को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं एक बर्तन में, तो ये देखिए सब्जी को मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ।
तो ये देखिए मेरी पालक बेसन की मज़ेदार सी सब्जी बन के हो गई तैयार। तो आप भी बनाइए एक बार मेरे तरीके से पालक बेसन की नई तरीके की सब्जी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।